अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो हमारा टॉपिक है बायोलॉजी। बायोलॉजी वर्ड जो है वो निकला है ग्रीक लैंग्वेज से, ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से। नंबर 1 बायोस, जिसका मतलब है लाइफ, और लोगोस, जिसका मतलब है थॉट और रीजनिंग। So we can define the term biology as the branch of natural sciences which deals with the study of living beings or the study of life. अब हमारा next topic है terms of biology। तो जैसा कि आप students देख सकते हैं कि ये जो बायोलॉजी की टर्म्स जो हैं, जो आपके सामने स्लाइड पर आ रही हैं, जिसमें सबसे पहले एनाटॉमी है, फिर हिस्टोलॉजी, देन इम्यूनोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एनाटॉमिक एंटोमोलॉजी, बायोमेट्री, बायोजियोग्राफी, सर्जरी, एनिमल हस्बेंड्री और बायो एलिमेंट्स। अब सबसे पहली टर्म है एनाटॉमी। एनाटॉमी की डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय कटिंग देम ऑफ, मतलब के जानदारों के जिस्म के जो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं उसको कट करके उसकी स्टडी करने को हम एनाटॉमी कहते हैं। अब हमारी नेक्स्ट टर्म है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी की डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब स्ट्रक्चर जो है टिश्यूज़ का प्लांट्स और एनिमल्स के, उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब हमारी नेक्स्ट टर्म है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी की डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी अबाउट इम्यून सिस्टम, मींस के बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। अब हमारी नेक्स्ट टर्म है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन है द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स, मतलब के दवाओं यानी ड्रग्स के एक्शन काम करने के बारे में स्टडी करने को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। अब नेक्स्ट टर्म जो आपके सामने आ रही है वो है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी की डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि जो हम कीड़े मकोड़ों के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है बायोमेट्री। बायोमेट्री की डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच कलेक्ट्स डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जो कि बायोलॉजी से रिलेट करती है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेटा को कलेक्ट किया जाता है और उसके बारे में स्टडी की जाती है, वो कहलाती है बायोमेट्री। इट प्लेज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च, और ये बहुत अहम किरदार अदा करती है रिसर्च के दौरान। अब नेक्स्ट टर्म है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी की डेफिनेशन है इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स जो हैं उसके अंदर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं बायोजियोग्राफी। अब नेक्स्ट टर्म जो है वो है सर्जरी। सर्जरी की डेफिनेशन जो है वो ये है कि इट डील्स विद रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिमूवल दी अफेक्टेड ऑर्गन, यानी कि जो अफेक्टेड ऑर्गन है, मुतासर ऑर्गन जो है बॉडी का, उसके रिप्लेसमेंट, रिमूवल और रिपेयरिंग के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो सर्जरी कहलाता है। अब हमारे टॉपिक की सेकंड लास्ट टर्म जो है वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन है इट डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स विच आर बेनिफिशियल फॉर मैन, जिसका मतलब ये है कि ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि डील्स करती है ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स यानी कि जानवरों की अफजाइश और केयर यानी कि देखभाल, जानवरों की अफजाइश और देखभाल से जो रिलेट करती है, जो कि बेनिफिशियल होती है मैन के लिए, वो कहलाती है एनिमल हस्बेंड्री। अब हमारी लास्ट टर्म जो है वो है बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स हम कहते हैं एनी केमिकल एलिमेंट विच वॉज फाउंड नेचुरली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बायो एलिमेंट्स, यानी कि हर वो केमिकल एलिमेंट जो कि कुदरती तौर पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाए वो बायो एलिमेंट्स कहलाएगा।
तो इसी के साथ हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। आज के लेक्चर में हम 9 क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। सो हमारा जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। अगर हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो 3 मुस्लिम साइंटिस्ट दिए गए हैं उसमें, जिसमें नंबर 1 पर है जाबिन बिर हयान, नंबर 2 अब्दुल मलिक असमाई और नंबर 3 बू अली सीना। और इसमें से जो है एक डिटेल क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम बात करें जाबिर बिन हयान की, तो उनका जो ईयर है वो है 722 to 817 AD, और वो पैदा हुए थे ईरान में, और उन्होंने वर्क जो है वो किया था केमिस्ट्री फील्ड में, और कुछ बुक्स भी लिखी थी प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। उनकी बुक्स अगर देखी जाए तो उसमें है अल नबातियात, जो कि प्लांट्स के बारे में थी, और अल हयान, जो कि एनिमल्स के बारे में थी। अगर हम बात करें अब्दुल मलिक असमई की, तो उनका ईयर है 741 to 828 AD। वो एक ग्रेट जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी हैं एनिमल्स पर। अगर उनकी बुक्स देखी जाएँ तो अल खील, जो कि हॉर्स के बारे में थी, अल इबिल कैमल्स के बारे में, अल शत शीप के बारे में, और अल वहूश वाइल्ड एनिमल्स के बारे में, और खलकल इंसान ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड देयर फंक्शंस। अब हम बात करेंगे बू अली सीना के बारे में। बू अली सीना का जो ईयर है वो है 980 to 1037 AD। इंट्रोडक्शन में अगर हम उनके जाएँ तो वो एक ग्रेटेस्ट थे सारे मुस्लिम साइंटिस्ट के अंदर, यानी कि उनको अहम माना जाता था, और उनको जो है एक लकब दिया गया था फाउंडर ऑफ मेडिसिन, और वेस्ट में जो है उनको एविसीना कहा जाता था। उन्होंने आइडेंटिफाई की थी कुछ डिजीज़ जो कि जिनकी एग्जांपल ली जा सकती है ट्यूबरक्लोसिस और मेनिंजिटिस, और उसी तरह की कुछ और इन्फ्लेमेशंस भी। अगर हम बू अली सीना के बारे में और आगे देखें तो उन्होंने काम किया था मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, फिज़िक्स में, पैलेंटोलॉजी में और म्यूज़िक में। और अगर उनकी बुक्स देखी जाएँ तो 2 बुक्स जो हैं वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में दी गई हैं, अल कानून और फितब अल शिफा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई सब्जेक्ट बायोलॉजी इज़ नेम्ड एज मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट, यानी कि बायोलॉजी के सब्जेक्ट को जो है मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट क्यों कहा जाता है। उसका आंसर जो है वो ये है कि बायोलॉजी का सब्जेक्ट जो है वो मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट इस वजह से कहा जाता है उसे, क्योंकि वो डिस्क्राइब करता है बहुत से लाइफ के एस्पेक्ट को और लिंक करता है दूसरी साइंसेस से। अगर हम उसकी एग्जाम्पल लें तो वो उसकी एग्जाम्पल में ये है कि मूवमेंट जो है एनिमल्स की वो फॉलो करती है लॉज ऑफ मोशंस, यानी कि बायोलॉजी जो है वो इसमें लिंक कर रही है फिज़िक्स के साथ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ फार्मिंग प्रोफेशन हेल्प्स मैनकाइंड। तो फार्मिंग प्रोफेशन जो है वो इस तरह से मैनकाइंड की हेल्प करता है कि वो प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज़ उन इंडिविजुअल्स के लिए जो कि अंडर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर होते हैं, टू एस्केप पॉवर्टी, यानी कि गुरबत को ख़त्म करने के लिए। तो पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो 60% जो है एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयज़ जो हैं वो गरीब होते हैं, और फार्मिंग जो है वो इस तरह से हेल्प्स करती है मैनकाइंड की, क्योंकि वो प्रोवाइड करती है जॉब्स एग्रीकल्चर के अंदर फार्मर्स की, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट मैनुफैक्चरर्स की, फूड प्रोसेसिंग कंपनीज़ की, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनुफैक्चरिंग ऑल कंट्रीब्यूट की। तो इस तरह से जो है फार्मिंग जो है प्रोफेशन हेल्प करता है मैनकाइंड की। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई स्पीशीज़ इज़ कॉल्ड एज स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक लेवल, कि स्पीशीज़ जो है वो क्यों कहलाता है स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक लेवल। अब इसका आंसर जो है वो ये है कि स्पीशीज़ जो है वो टाइनीस्ट और मोस्ट फंडामेंटल यूनिट है क्लासिफिकेशन का, और ग्रुप जो है इंडिविजुअल क्रिएचर्स का जिसके पास एसेंशियल सिमिलैरिटीज़ हों तो वो कंसिडर्ड किया जाता है स्पीशी टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के अंदर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ पॉपुलेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटी, जिसका आंसर ये है कि जितने भी मेंबर्स
जो हैं स्पीशीज़ के, वो अगर स्पेसिफिक हैबिटेट के अंदर रहते हैं तो वो पॉपुलेशन है, और मेंबर्स जो हैं डिफरेंट स्पीशीज़ के जो कि स्पेसिफिक हैबिटेट के अंदर रहते हैं वो कम्युनिटी कहलाता है। तो इस तरह से हम डिफरेंस कर सकते हैं पॉपुलेशन और कम्युनिटी के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन है, हाउ न्यू वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड, के प्लांट्स जो हैं वो न्यू वैरायटीज़ जो हैं प्लांट्स की वो कैसे प्रोड्यूस्ड होती हैं। तो इसके आंसर में जो है वो हम ये लिख सकते हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो अलाउ करती है प्लांट्स को टू प्रोड्यूस न्यू वैरायटीज़। तो जब भी पेरेंट्स जो हैं वो चूज्ड हो जाते हैं डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग, तो उनको हाइब्रिडाइज करके एक सुपीरियर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि बोथ पेरेंट्स की क्वालिटीज़ का हो सकता है। तो इसी तरह से आज का लेक्चर एंड हुआ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। आज का लेक्चर है क्लास 9 के लिए बायोलॉजी का लेक्चर, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, और ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 3। सो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक जो है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बायोलॉजी जो है एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है जो कि लिंक करता है दूसरी साइंसेस से। फॉर एग्ज़ाम्पल, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फॉलोज़ द लॉज ऑफ मोशन इन फिज़िक्स, यानी कि मूवमेंट जो है एनिमल्स की वो फॉलो करती है लॉज ऑफ मोशन को फिज़िक्स में। और बायोलॉजी जो है कंसिडर किया जाता है इंटर डिसिप्लिनरी साइंस जो कि रिलेट करता है अदर साइंसेस से, और कुछ ब्रांचेस जो हैं जो अदर साइंसेस से रिलेट करती हैं बायोलॉजी की, उनमें है एक बायोफिज़िक्स, बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोजियोग्राफी और बायो इकोनॉमिक्स। अब हम डिस्कस करेंगे बायोफिज़िक्स को। तो बायोफिज़िक्स में पॉइंट नंबर 1 जो है वो ये है कि बायोफिज़िक्स जो है वो ब्रांच है फिज़िक्स की जिसके अंदर लॉज और टेक्निक्स को अप्लाई करके लाइफ के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि रेडियोफिज़िक्स वो ब्रांच है जिसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज होते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स को ट्रेस करने के लिए ऑर्गेनिज़म्स के अंदर। और पॉइंट नंबर 3 ये बता रहा है हमें कि रेडियो लेबलिंग और कार्बन डेटिंग के अलावा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ होते हैं फॉसिल्स की एज को डिटरमाइन करने के लिए, और यूजेस जो हैं साउंड वेव्स के, अल्ट्रासाउंड और लेज़र टेक्नोलॉजी के लिए के तौर पर शो करते हैं फिज़िक्स के रिलेशंस को बायोलॉजी के साथ। अब हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे बायोमेट्री को। बायोमेट्री जो है उसके फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा है कि ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसके ज़रिए डेटा कलेक्ट किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का। और पॉइंट नंबर 2 में ये लिखा है कि बायोमेट्री जो है इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है रिसर्च के दौरान। अब हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री को। बायोकेमिस्ट्री में जो है हम ये कह सकते हैं कि ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो कि डील्स करती है उन मॉलिक्यूल्स की स्टडी के साथ जो कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स और सेल्स बनाते हैं, और बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बारे में ऑथेंटिक नॉलेज रिक्वायर होती है सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के फंक्शंस को ऑर्गेनिज़म्स की बॉडी में जो हो रहे होते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए। अब जो टर्म है वो है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी का नंबर 1 पॉइंट जो है वो ये है कि ये ब्रांच डील करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के साथ वर्ल्ड के मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन्स में। और पॉइंट नंबर 2 जो है उसमें ये लिखा है कि बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो एक मखसूस जियोग्राफिकल रीजन्स तक महदूद हैं या रिस्ट्रिक्टेड हैं इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से। सो अब हम डिस्कस करेंगे बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स जो है वो डील करती है उन इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज़म्स के साथ जो इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शंस में। और पॉइंट नंबर 2 ये है कि एग्जांपल दी हुई है इसमें कि मीट प्रोडक्शन जो है वो कैलकुलेटेड होती है फॉर कॉस्ट वैल्यू एंड फॉर प्रॉफिट वैल्यू। सो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड हुआ, और इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। आज का लेक्चर जो है वो है क्लास 9 बायोलॉजी का, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं लिविंग वर्ल्ड में वो बेस करते हैं केमिकल फाउंडेशन पर, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स और प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल्स से बनते हैं फिजिकल और केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्लाइड्स में शो हो रहा है कि लेवल्स को हमने डिफरेंट टाइप्स में एक तरह से डिवाइड कर दिया है, जिसमें है एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टैक्सोनॉमिक लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल, इकोलॉजिकल लेवल, और लास्ट में जो है वो है बायोस्फीयर लेवल। नंबर 1 टाइप जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसको डिस्कस करेंगे हम। अब उसमें ये लिखा है कि जितने भी मैटर यानी मादे जो हैं वो उन एलिमेंट से बने हुए होते हैं जो के कंपोज्ड करते हैं एटम को। हर एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। नेचर में 100 से भी यानी कि 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, लेकिन उन एलिमेंट्स में सिर्फ 16 एलिमेंट्स जो हैं वो हैं बायो एलिमेंट्स, जो ज़िंदगी के लिए यानी कि लाइफ के लिए अहम हैं, और सिर्फ 6 एलिमेंट्स जो हैं वो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ कहलाते हैं, जो के हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। अब हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाइंडिंग ऑफ एटम्स की वजह से बनते हैं। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स जो हैं बायो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ग्रेट वैरायटी और कॉम्प्लेक्सिटी में, और क्लासिफाइड होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड्स जो हैं वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स के यूनिट्स मिलके मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। इसमें ये लिखा है कि जब बायो मॉलिक्यूल्स एक साथ सस्पेंशन की फॉर्म में वर्क करते हैं तो वो कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन है। जब प्रोटोप्लाज्म यूनिट के तौर पर काम करता है तो वो यूनिट कहलाता है सेल। सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। जब एक तरह के सेल्स एक ग्रुप की शक्ल में ऑर्गेनाइज होते हैं तो उसे टिश्यूज कहते हैं। जब मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज काम करने के लिए एक पार्टिकुलर मैनर में अरेंज होते हैं तो उन्हें हम ऑर्गन्स कहते हैं। और इस स्लाइड में जितने भी वर्ड्स जो हैं वो कैपिटल में हाईलाइट हुए हुए हैं और अंडरलाइन हुए हुए हैं, वो एमसीक्यूज के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये वाली स्लाइड जो आ रही है इस पर भी हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू हो रहा है। इसमें यह लिखा है कि जब डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए काम करते हैं एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में तो वो कहलाता है ऑर्गन सिस्टम। जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं यूनिट के तौर पर तो वो एक बॉडी फॉर्म करते हैं, जिसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। अब हमारी स्लाइड नंबर 8 जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमिक लेवल को। टैक्सोनॉमिक लेवल में ये लिखा है कि एनदर यानी एक और लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करता है। स्पीशीज़ जो हैं स्मॉलेस्ट यूनिट है टैक्सोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि इंक्लूड करती हैं मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जो इंटरब्रीड करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को। और अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन लेवल। अब स्पीशीज़ के जितने भी मेंबर्स जो होते हैं जो एक स्पेसिफिक हैबिटेट में रहते हैं वो कहलाते हैं पॉपुलेशन। जैसे पैरट्स का ग्रुप ट्री पर रहना कहलाता है पैरट्स की पॉपुलेशन यानी कि पैरट पॉपुलेशन।
अब इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी लेवल को। डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स अगर स्पेसिफिक हैबिटेट में रहते हैं तो वो होती है उनकी कम्युनिटी। जैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स का ग्रुप ट्री पर रहे तो वो होती है बर्ड कम्युनिटी। और अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम इकोलॉजिकल लेवल। कम्युनिटीज़ हमेशा डिपेंड करती हैं उनके नॉन लिविंग एनवायरनमेंट पर रेसिप्रोकल इंट्रैक्शन में अपने सर्वाइवल के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से ऑब्टेंड होती है और उसके बदले में कार्बन मोनोक्साइड आउट होती है। ये दो इंट्रैक्शन कहलाती है इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम। अब लास्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि है बायोस्फीयर लेवल। अब पॉइंट वन ये है कि अर्थ का हर वो पार्ट जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है वो होता है बायोस्फीयर लेवल। और पॉइंट टू ये है कि ये कंसिस्ट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स को। तो इसके साथ हमारा लेक्चर एंड होता है, और इस लेक्चर में जितने भी वर्ड्स जो हैं वो हाईलाइट हुए हुए थे वो आपके एमसीक्यूज़ के लिए, बोर्ड में एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसको एक दफ़ा जैसे गौर से पढ़ लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 5। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1, वो है लेबल डायग्राम ऑफ फ्रॉग। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो है फ्रॉग की डायग्राम में हमें लेबलिंग करनी है फ्रॉग की डायग्राम में। तो उसमें लेबलिंग इस तरह से होगी कि सबसे पहले टंग, फिर आई, देन ब्रेन, लंग्स, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइंस, लार्ज इंटेस्टाइंस, फिर एयर, हर्ट, पैनक्रियास, ब्लैडर, और लास्ट में जो है वो है क्लोआका। सो आज के लेक्चर का जो टॉपिक नंबर 2 है वो है शॉर्ट नोट्स। अब हम शॉर्ट नोट नंबर 1 डिस्कस करेंगे मस्टर्ड प्लांट का। अब मस्टर्ड प्लांट में ये लिखा है कि ब्रासिका कंपेस्टिस जो है कॉमन नेम है मस्टर्ड प्लांट का, और लोकली जो है हम उसे सरसों कहते हैं। ये जो है मल्टी सेलुलर है और कल्टिवेट होता है विंटर सीजन में। लीव्स जो हैं इस प्लांट के वो यूज्ड होते हैं वेजिटेबल के तौर पर, और जबकि सीड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं ऑयल की एक्सट्रैक्शन के तौर पर। लेंथ इस प्लांट की है 1 to 1.5 meters, और ये प्लांट्स जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। नंबर 1 वेजिटेटिव पार्ट कंसिस्ट करता है रूट, स्टेम और लीव्स को, और रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है नंबर 2 पार्ट वो कंसिस्ट करता है फ्लावर्स को। और हर फ्लावर जो होता है वो हमारे पास येलोइश इन कलर होता है और प्रोड्यूस करता है सीड्स। अब हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट नोट फ्रॉग पर। शॉर्ट नोट ऑफ फ्रॉग में हमारे पास ये पॉइंट्स हैं कि राना टिग्रीना जो है वो साइंटिफिक नेम है हर स्पॉटेड फ्रॉग का, जो कि कॉमन किसी भी रीजन में यानी कि कॉमनली फाउंड होता है। और ये जो है मल्टी सेलुलर एनिमल है, ये बोथ वाटर और लैंड दोनों में रहते हैं, और इनके पास नेक नहीं पाई जाती, और इनकी बॉडी जो है वो ऑर्गन सिस्टम से बनी हुई होती है, डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर। और जितने भी ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंट टिश्यूज से बने हुए होते हैं, जिस तरह से जैसे कि एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर और नर्वस टिश्यूज। और फ्रॉग जो है वो लिव्स करता है डिचेस की तरफ और पूल्स में, पॉन्ड्स में, स्टैग्नेंट स्ट्रीम में और स्लो मूविंग रिवर्स में, और ये फीड्स करते हैं स्मॉल इंसेक्ट्स पर। अब हमारा शॉर्ट नोट नंबर 3 जो है वो है अमीबा पर। अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि फाउंड इन द मड ऑफ शैलो पॉन्ड, यानी कि तालाब की जो कीचड़ होती है उसमें पाए जाते हैं, पूल्स में पाए जाते हैं, और किसी भी स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है। इसका साइज जो होता है वो तकरीबन 0.25 millimeters तक होता है, और अमीबा की जो है वो शेप इररेगुलर होती है, यानी कि कोई शेप नहीं होती इसकी। और इसके पास सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि हेल्प्स करती है
मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स में और प्रोटेक्ट करती है साइटोप्लाज्म को। अच्छा, साइटोप्लाज्म जो है अमीबा का, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो आउटर पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, वो क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है, कहलाता है एक्टोप्लाज्म, और जेल कहते हैं उसे। और इनर पार्ट जो होता है वो एंडोप्लाज्म कहलाता है, उसको सॉल कहा जाता है। और इसकी मूवमेंट को कहा जाता है सॉल जेल मूवमेंट। और साइटोप्लाज्म जो है वो कंटेन करता है न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल्स और माइटोकॉन्ड्रिया। और अमीबा जो है वो मूव्स करता है फॉल्स फूड के थ्रू अपने, जो कि कहलाता है सूडोपोडिया। अब लास्ट शॉर्ट नोट जो है हमारा, वो है वॉलवॉक्स पर। वॉलवॉक्स जो है वो पॉलीफाइलेटिक यानी कि मैनी एंसिस्टर्स जेनस ऑफ क्लोरोफाइट ग्रीन एल्गी है, जो कि वॉल्वोसेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और ये जो है फॉर्म करता है स्फेरिकल कॉलोनीज अप टू 50,000 सेल्स से। और जो है ये रहते हैं वैरायटी ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में। और जो है फर्स्ट जो है रिपोर्ट किया गया था ये एंटनी वैन ल्यूवेन हॉक ने, और 1700 में किया था ये रिपोर्ट। और वॉलवर्क्स जो है वो एल्गी कहलाते हैं, और जो है एक साथ रहते हैं कॉलोनी की शक्ल में। और हर वॉलवर्क्स जो है उसके पास दो फ्लैजिला होते हैं, और फ्लैजिला जो है वो एक दूसरे को बीट करते हैं ताकि बॉडी जो है रोल कर सके वाटर के अंदर। और ये हमारी लास्ट स्लाइड में भी वॉलवॉक्स का शॉर्ट नोट जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। और वॉलवॉक्स जो है वो वॉलवॉक्स के जो सेल्स हैं उनके पास क्लोरोफिल होता है, और वो ख़ुद का फूड जो है तैयार कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। और फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज़म जो हैं वो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं मैनी एक्वाटिक इकोसिस्टम्स का। और वॉलवॉक्स जो है वो हार्मफुल नहीं होता ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि वो जो है कोई सभी ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं करता जो कि ह्यूमंस को कोई भी नुकसान पहुंचाए। सो ये था हमारा लास्ट लेक्चर, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का। और इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसके अंदर जो है एक्सरसाइज जो है बुक्स की यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज जो है वो सॉल्वड आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और वीडियो में भी सॉल्व जो है वो उस पर एक वीडियो भी आएगी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।